वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज फियोना। हाउ आर यू? होप आप सब लोग फाइन होंगे। और गाइस, आप लोग देख सकते होंगे मैं खड़ी हूँ हथकंबा पे। और ये देखिए, ये वाला जो रोड है ये गोवा को जाता है, और ये वाला जो रोड है ये मुंबई को जाता है। और ये साइड में हम लोग देखेंगे तो ये है रत्नागिरी का रोड, जहाँ से हम लोग आए हैं। और गाइस, हम लोग आज एक वेडिंग अटेंड करने वाले हैं, जो कि है देवरूप में। और ये जो वेडिंग है ये मेरे डैड के फ्रेंड की है, जो कि है मिहिर भाई की। तो अभी हम लोग उनकी वेडिंग अटेंड करने जाएंगे। और जाने से पहले, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। तो चलिए जाते हैं। तो गाइस, हम लोग हथकंबा से न्यूली पहुंच गए हैं। और ये जो हाईवे के लेफ्ट साइड में जो रोड जाता है वो आरे वारे और गणपति पुले को जाता है। और गाइस, हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो है ये स्ट्रेट वाला रास्ता। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे आरे वारे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नेशनल हाईवे के साइड में ही यहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं। और इन ढाबों पे रत्नागिरी सिटी के लोग आते हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, पार्टी शार्टी करने के लिए। और जो दूसरे ट्रैवलर्स भी होते हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करते हैं और यहाँ पर खाना खाते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बड़ा बस जा रहा है, ये देखिए वैन भी जा रही है, और ये बहुत बड़ी है। और फिर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आफ्टरनून के 2 बज रहे हैं। और इवनिंग में यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, वैन्स होते हैं, और भी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं। और यहाँ पर इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, थोड़ा रिस्क भी है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आगे एक माउंटेन है, वो भी रास्ते के बीचों बीच। लेकिन ये रास्तों के बीच में नहीं है, आप लोग देख सकते हैं राइट साइड से एक रास्ता है, और ये ओरिजिनल रास्ता है, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। और ये सिर्फ माउंटेन को तोड़ के एक नया रास्ता बना रहे हैं हाईवे को एक्सपांड करने के लिए, ताकि एक और रास्ता बने। यहाँ से शायद से जाने को रास्ता होगा या फिर आने को, और ये जो ओल्ड वाला है वहाँ से आने को या फिर जाने को। और आप लोग देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज है, मैंगो के ट्रीज है, और भी बहुत तरह तरह के ट्रीज है। आप लोग देख सकते हैं ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ये तो सेम फॉरेस्ट की तरह है। वाओ! सबकी हालत ही डाउन हो गई, क्योंकि जब से हम लोग हथकंबा से निकले हैं हम सबकी हालत डाउन हो गई, खराब हो गई, क्योंकि यहाँ के रास्ते ही खराब है। आप लोग देख सकते हो जगह जगह पे खड्डे हैं, यहाँ के रास्ते खराब है, इसलिए मेरे डैड भी 20 की स्पीड पे चला रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रक जा रहा है, और ये कंटेनर के साथ जा रहा है, लोडेड है ये, और इसलिए मेरे डैड भी स्लो चला रहे हैं। ऊपर से हम सब एक ही बाइक पे जा रहे हैं। और अभी हम लोग जाते आगे, और मेरे डैड ने बोले थे कि देवरूप तक भाव नदी के बाद का रास्ता अच्छा है, तो अभी वो तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। ओह, वो देखिए एक और ट्रक, ये तो ये भी लोडेड है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर सामान है। और अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं। अभी हम लोग जाते हैं ब्रिज के पास, भाव नदी के पास। और ये देखिए एक और ट्रक आ गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर स्लो चलाना चाहिए रात के टाइम पे, तो यहाँ पर और भी आते हैं। आप लोग देख सकते हैं उसके पीछे भी एक छोटा सा ट्रक गया है। तो अभी चलिए हम लोग जाते हैं, और हम लोग भाव नदी के पास में ही है। तो फ्रेंड्स, लारे बॉय मेरे को भूख लगना शुरू हो गई है, और हम लोग ने ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा सा ही नाश्ता किया था। अभी पता नहीं हमको देवरूप में जाके लंच मिलता है या नहीं। और ये देखिए भाव नदी का ब्रिज आ गया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अभी भाव नदी के ब्रिज के ऊपर खड़ी हूँ, और ये देखिए यहाँ पर भाव नदी है, और मैं यहाँ पर ब्रिज पे खड़ी हूँ। ये बहुत पुराना ब्रिज है, और यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक न्यू ब्रिज भी बन रहा है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग नहा रहे भी है, कपड़े ऐसे भी धो रहे हैं। और हम लोग राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक डैम भी है। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं, ये रत्नागिरी देवरूप का फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, माने कॉलेज। और इस कॉलेज में मेरे असलम भाई आके सीख के एक इंजीनियर बन गए।
फाइनली हम लोग देवरुख पहुंच गए और मिहिर भाई के घर के लिए हम लोग लेफ्ट साइड से शॉर्टकट मारेंगे। और ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी नर्सरी है जहाँ पर काजू के, आम के और भी बहुत सारे तरह के प्लांट्स है। और अभी हम लोग आगे जाते है। अगेन हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे, थोड़ा और आगे जाने के बाद वन मोर लेफ्ट टर्न। आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक बड़ी स्कूल है जो कि है बनी इंटरनेशनल स्कूल। और यहाँ के स्टूडेंट्स जो है हम लोग के यहाँ रत्नागिरी सिटी में बास्केटबॉल के टूर्नामेंट्स खेलने आते हैं। और रियली यहाँ के प्लेयर्स बहुत बेस्ट है। तो हम लोग का ये लास्ट लेफ्ट टर्न है मिहिर भाई के एरिया में एंटर करने के लिए। और इस एरिया का नाम है बुधवाड़ी। और ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर है इस एरिया का। और अभी हम लोग आगे जाएंगे तो ये देखिए इस साइड में है मिहिर भाई का घर। लोगों को विलेज दिखाने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये नेचर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ट्रीज है। और विलेज के घर देखिए कितने प्यारे होते हैं। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए गांव में ना विलेज में ऐसे ये रहते हैं चैमिलियन। आप लोग देख सकते हो वहाँ पर बैठेला हुआ है चैमिलियन। और अभी हम लोग थोड़ा साइड में आएंगे तो ये देखिए मैं आपको कुछ नेचर का टैलेंट दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आप लोग देख सकते हो ये जो है वो एंड ने अपने खुद से टॉवर बनाया है। ये देखिए उनका टैलेंट है ये। ये देखिए यहाँ पर ट्रीज है, आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे है। और ये देखिए गाइस हम लोग ये साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में है मिहिर भाई का घर। तो अभी हम लोग जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये है बांबू के ट्रीज। ये देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर है एक रास्ता ऐसा और यहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं। और गाइस विलेज में जो एंजॉयमेंट है वो कहाँ पर भी नहीं है। आपने सिटी तो देखी होंगी पर विलेज ऐसे कभी नहीं देखा होगा।
अभी मिहिर भाई की वीडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और अभी रात भी हो रही है, तो हमको घर पे भी जाना है। तो अभी हम लोग घर पे जाएंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।